यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी के सात उम्मीदवारों का ऐलान। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल को मिला टिकट। यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ पोस्ट की तस्वीर। बीजेपी बोली, राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता विपक्ष। नामांकन में प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति पर बीजेपी का वार। कहा, पूरा देश मांग रहा है संपत्ति पर सफाई। गांधी परिवार के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग। ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत छह राज्यों में तूफान दाना का अलर्ट। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी और एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग मुंबई में एक मंच पर आए साथ। भारत में एआई के भविष्य पर हुई बात। इंडिया विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस मार्केट्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सियासत भी गरमाई। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को यमुना में डुबकी लगाने का याद दिलाया वादा। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खुद लगाई डुबकी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में 23 सीटों पर अब भी फंसा पेच। कांग्रेस उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट ने निकाला 85-85 का फॉर्मूला। जम्मू कश्मीर में एक और गैर कश्मीरी पर हमला। त्राल में शुभम कुमार नाम के श्रमिक को गोली मारकर किया जख्मी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी में किसी को टारगेट करने की बात को बताया गलत। न्यूज 18 इंडिया डायमंड सेट समिट में बोले, सबके लिए है कानून। सबकी बेहतरी के लिए हम लेकर आए हैं और ये कहना कि किसी को टारगेट कर रहे हैं, ये राज्य तो बहुत शांत लोगों का राज्य है। राजधानी अंकारा में आतंकी हमले के जवाब में तुर्की का बड़ा एक्शन। सीरिया और ईरान में 30 आतंकी ठिकानों को खत्म करने का दावा। 5 की मौत की खबर।